हाँ मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का। नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है, मुगल जिम्मेदार। गायन सभी को स्टूडियो के अंदर दो बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन है असदुद्दीन अवैसी की, जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी ने सरकार को घेरते हुए बोला कि जितनी महंगाई हो रही है और जितनी भी बेरोजगारी है वो सारी मुगलों की वजह से। मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ मुनर फारूकी ने की शिवांगी जोशी की इंसर्ट। मैं आप सभी को छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा और उसकी हकीकत भी आप सभी को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया हो तो ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी वहाँ बात भी करता हूँ और बहुत सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले उधर ही देता हूँ। तो आपको लिंक से मिलेंगी वहाँ की, मुझे ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल के दाम किधर है, बेरोजगारी कितनी हो चुकी है और महंगाई कितनी हो चुकी है, मतलब रोजगार कम और महंगाई सबसे ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खाने के तेल के दाम कितने बढ़ चुके। तो इसी पर असदुद्दीन अवैसी ने कुछ बोला है, मैं आप सभी को छोटा मोटा वीडियो दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। हाँ मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। अकबर, बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का, इसको मानता हूँ। लेकिन सर अब तो पेट्रोल नहीं, नहीं वो भी जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। मुगलों की वजह से ये प्रॉब्लम है, औरंगजेब की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और अकबर की वजह से कीमतें बढ़ गई, बादशाह अकबर की वजह से, और शाहजहां की वजह से नौजवान बेरोजगार। प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल का दाम, नहीं नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है, मुगल जिम्मेदार। तो क्या आपने छोटा मोटा वीडियो देख लिया किस तरह से असदुद्दीन अवैसी खवल गए तो डायरेक्टली मुगलों को जिम्मेदार बताया। हालांकि इसका उल्टा मतलब था, आप सभी को पता है, क्योंकि जिस तरह से तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, अनाज के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं आप सभी को पता है, उस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मुगल, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है आप सभी को पता है। तो क्या मुझे कमेंट करके बताइए जिस तरह से महंगाई बढ़े कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गई थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो मुनर फारूकी के बारे में, क्योंकि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा, आप सभी को पता एक छोटा मोटा इवेंट था, खतरों के खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको बुलाया गया था। आप सभी को पता हूँ वहाँ पर पहली बार शिवांगी जोशी मुनर फारूकी मिले, जहाँ पर शिवांगी जोशी मुनर फारूकी की बाजू में खड़ी रहती है लेकिन वो दूसरे साथ मिलाती है मुनर फारूकी से नहीं। फिर मुनर फारूकी उनसे बात करते हैं और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन मुनर फारूकी के हाथ नीचे रहता है। का ये छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल, आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। तो हम छोटा मोटा वीडियो देख लिया हूँ, आपसे बता दूँ इस वीडियो को लेकर कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। पहले बोले कि शिवांगी जोशी ने मुनर फारूकी हल्की की, मतलब इंसर्ट की। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुनर फारूकी ने शिवांगी जोशी की इंसर्ट की। तो ऐसे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरह से पहली मरतबा मिले तो इस तरह से होते रहते, लेकिन आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे।